हेलो एवरीवन, आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमवीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो 2011 से 2024 तक कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है और इससे बाहर द्विघात समीकरण से कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। और आप लक्की है जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डर भाग जाएगा और आप लक्की हैं जिसके चलते आपको ये वीडियो मिल गया है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा देखिए, आपको इसमें स्मार्ट तरीका मिलेगा जिसमें आप सेकेंडों में मैथों का सलूशन करेंगे, मैथ का डर भाग जाएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण 4x² + 4x² मूलों की प्रकृति। जब भी मूलों की प्रकृति निकालना हो तो आपको सूत्र यूज़ करना है b² - 4ac। b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर - 4 × a का मान भी 4 है और c का 1, तो 16 - 16 इस तरह से आ जाएगा 0। मूल वास्तविक और बराबर होंगे, पहले का मूल वास्तविक एवं बराबर d0 हो गया, तो यानी पहले का b सही है। दूसरा है कि मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a होता है और इसका c/a। ए से ए काट दीजिए, अब ऊपर बचा बी, बी का मान -12 है और फॉर्मूला में भी -12 है तो +12 हो जाएगा। नीचे सी पूछ रहा है तो सी का मान 18 है, यानी 6 × 12 = 36 यानी 2:3। 2:3 हमारा डी ऑप्शन सही है, 2 का d। ठीक है, चलिए फटाफट देखते चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप 3 × 9 यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना है 3x² - 9x - x +3 = 0। 3x कॉमन लेंगे तो x - 3, -1 कॉमन लेंगे तो x - 3। x - 3 एगो लिख लेंगे, एगो मिला के लिख लेंगे 3x - 1 = 0। तो x का मान एगो 3 आ जाएगा, एगो x का मान 1/3, तो 3 वाला आंसर सही है क्योंकि 1/3 दे दिया है, तो 3 का हमारा हो जाएगा d3। ठीक है ना। चार नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण है ये वाला और x, ये देखिए कितनी बार पूछा है, तो x यानी कि निकालना बड़ा x, तो -b + √d/2a होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन लिखा हुआ है, 4 का c सही होगा। पांच नंबर में कि द्विघात समीकरण एक समीकरण के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। मूल बराबर में आप जानते हैं कि b² - 4ac जो होता है 0 होता है। आगे बढ़ाइएगा तो b² = 4ac हो जाएगा, तो c बराबर आपका हो जाएगा b² / 4a और ऐसा ऑप्शन b² / 4ad में है, 5 का d। मूलों का गुणनफल 6 में पूछ रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला c/a होता है। c का मान 1 है और a का 4, 1/4 यानी 6 का a सही है। ठीक है, चलिए सात नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये समीकरण, मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। वास्तविक और समान यानी कि b² - 4ac = 0। बी का मान 6k है, 6k² - 4 × a = 9, c = 4 = 0। 6 का स्क्वायर 36, k² हो जाएगा। यहाँ पे नचों के 36 × 4 ले लेते हैं, 36 से 36 कटा लेते हैं, अब ये बच गया 4, k = +-2 हो जाएगा यानी 2 या -2। ठीक है ना, 7 का c होगा। आठ नंबर है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, 8 का a हो जाएगा। नाइन नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखिए पहला में तो होगा 2x², ये भी होगा 2x², ये नहीं होगा, कट जाएगा यहाँ पे। 9 का c ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है, सी जिनके भी कमेंट में है उनका सही है। 10 नंबर में बढ़ते हैं तो निम्न से किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब आप कैसे बनाएंगे, एक मूल 2 है कैसे बनाएंगे, इस 2 को रखिएगा, जिसमें रखने से 0 होता होगा वही होगा। तो मान लीजिए 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखिएगा 4 × 8, ये कभी 0 नहीं होगा, तो ये होगा नहीं पहला। दूसरा रखिएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखिएगा तो 4 × 8 +5, 5 × 4 = 8, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ रखिएगा तो 2 × 4 +1, यहाँ कट गया 1 बज रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 × 8 हो जाएगा, -7 × 14 +6, 8 × 14 - 14, यहाँ भी यही आपका सही है, 0 हो जा रहा है, बस मान बढ़ने से 0 आ जाना चाहिए, 10 का d सही है। 11 है, विवेचक पूछ रहा है, विविध कर पूछ रहा है, तो आपको b² - 4ac लगाना होगा।
तो बी का मान 15 है, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, माइनस 4 गुने ए का मान 1, 80 का मान 50, 225 50 चूंकि 200 कटाने पर 25 होता है, हमारा ऑप्शन ए होगा 11 का। देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। मूल समान हो तो सी बराबर, तो यानी सूत्र होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेकिन दूसरे कंडीशन में, यहाँ पे बी की जगह पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 बी की जगह पर बी ए हो गया, ए की जगह पर बी है 80, तो उधर जाके जीरो करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4bc। अब ये 4b जो है नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4b, यहाँ हमें 12 में b हो जाएगा, 12 का b, ठीक है। 13 देखिए, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, फॉर्मूला माइनस बी भैया, बी की जगह पर 3 है और ए की जगह पर 2, माइनस 3/2, यहाँ पे 13 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर है, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस बी बाई सी, यहाँ मान रखिएगा तो 1, 80 की जगह पर माइनस 2 कट के 1/2, 14 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के मान शून्य हो तो शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल, यानी कि डी जो है 0 से बड़ा है, तो इसमें वास्तविक और भिन्न, 15 का ए हो जाएगा। 16 में द्विघात समीकरण दिया है, इसका विवेचक पूछ रहा है, तो वही सूत्र आप लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 गुने ए का मान 3, 80 का 1/3, 3 कट गया, 4 में 4 घट के आ जाएगा 0, यानी ए सही है, 16 का ए। 17 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ये माइनस में चला जाएगा, ये इसका x स्क्वायर कट जाएगा, ये रैखिक है, ठीक है ना, 17 का बी। 18 है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे, बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने सी का माइनस 1, तो 1 माइनस में प्लस 4, 4 × 5, वास्तविक और असमान, ठीक है ना। 18 में ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 19 निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये देखिए बटा है, ये पावर माइनस में नहीं जाना चाहिए, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 का सी। और 20 नंबर कह रहा है, ये दिया है विविध कर पूछ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा, बी की जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुने ए का मान 1, 80 का मान 4, 25 माइनस 16 आपका हो जाएगा 9, जो कि 20 में सी हो जाएगा, ठीक है। 21 में कह रहा है कि समीकरण के मूल बराबर हो तो पी का मान, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, बी की जगह पर आपका पी है तो पी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह पर आपका 1 है, सी की जगह पर 4, 1 गुने 4 इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर बराबर माइनस 16 उधर जाकर प्लस 16, यानी कि प्लस माइनस 4 आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए, और आपको इस तरह के बहुत सारे है ना क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, इसलिए आप सभी दोस्तों को जुड़िए, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद जय भारत।